बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनामिर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू। तो इसके लिए यहाँ हमने 1 कप के करीब घी लिया है। इसमें हम तकरीबन आधे से ज़्यादा घी पैन में डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें अभी बचा लेंगे। इसको मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है। इसके अलावा यहाँ हमने बेसन लिया है 2 कप, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बेसन के लड्डू बनाते हुए कभी भी इनको हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे नहीं बनाना चाहिए, वरना बेसन तो जल्दी भून जाता है लेकिन इसका कच्चापन रहता है, जो जब आप खाते हैं तो फिर आपको पता चलता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको भूनने में अच्छे से। बेसन के लड्डू बनाते वक्त काफी पेशेंस रखने पड़ते हैं। अगर आप मार्केट से इसको दानेदार बेसन लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, अदरवाइज आप घर में जो नॉर्मल बेसन आता है आप उसके भी लड्डू बना सकते हैं। चमचा इसमें मुस्तकिल चलाते रहना है ताकि पूरा बेसन अच्छे से बिल्कुल भून जाए और कहीं से भी थोड़ा सा भी कच्चा ना रहे। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो गए बेसन को भूनते हुए अच्छे हुए। अब पता कैसे चले कि बेसन भून गया है या नहीं? तो इसमें से अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी बेसन भूनने की, और जो घी हमने इसमें डाला है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा पतला हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे ये हल्का हल्का इसका टेक्सचर जो है चेंज हो गया है, पहले कैसे हो रहा था और अब देखें, आप इसको देख सकते हैं। बेसन को भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। ये देखें कैसा लिक्विडी फॉर्म में आ गया है। ये देखें एकदम सॉफ्ट, इसको यूं कर, ये देखें घी अच्छे से ऊपर आ गया है यहाँ पर। अब हम इसे और भूनेंगे। देखें बेसन पे पूरा अच्छे से घी आ गया है और कलर चेंज हो गया बिल्कुल इसका। बस अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हम इसको सीधा डालेंगे पानी का। ये देखें, ताकि बेसन में अच्छे से दाने बन जाए। ये देखें इस तरह, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे लड्डू जो हैं वो दानेदार बने। इनको ऑफ कर देते हैं और इसे फौरन ही हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके। ये देखें, ये अच्छे बेसन में हमने निकाल लिया है। ये देखें, हम इसे ऐसे ही हल्का हल्का ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पर ही इसको। इसको बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है कि एकदम ठंडा कर लें और फिर इसमें चीनी मिलाएं, तो चीनी अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म में हम चीनी मिला लेंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी और लड्डू भी हमारे बाद में ठंडे होकर सख्त बनेंगे बहुत। तो इसके लिए इसको इतना ठंडा करें कि आप लड्डू बनाते वक्त आपके हाथ इतनी गर्मी इसकी जो गर्मी है वो बर्दाश्त कर सकें। इसमें इलायची पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून। ये देखिए बेसन अच्छे से ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा इस वक्त ये तेज़ गर्म नहीं है, बस बेसन इतना ठंडा हो गया कि अब हम इसमें चीनी मिला सकते हैं। हमने तकरीबन 1 कप के करीब पिसी हुई चीनी ली है और चीनी को पीसने के बाद हमने छान लिया है। आप चाहें तो इसमें 1/2 कप भी, अगर मीठा कम खाते तो 1/2 कप इसमें चीनी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके चीनी ऐड करेंगे इसमें और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसके अलावा यहाँ हमने लिए हैं खरबूजे के बीज, थोड़े से ये भी ऐड कर देते हैं इसमें और इसको मिक्स करते हैं। हाथ से इसको मिक्स कर लें तो ज़्यादा आसानी के साथ मिक्स हो जाएगा यहाँ पर।
हमने जो घी बचाया था ये देखें, अब ये इसमें मिक्स करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है कि थोड़ा घी कम है इस वक्त यहाँ पर, तो अब ये घी हम यहाँ पर इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह तकरीबन हमें पूरा 1 कप ही घी इसमें लग गया है, इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। ये देखें ये रेडी हो गया है। अब हम एक ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा पोर्शन और इसके लड्डू बनाने स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लड्डू बने हैं और मीठा भी बिल्कुल सही हिसाब से डला है, हमने टेस्ट करके देख लिया इसका मीठा। ये देखें ये अभी हल्का सा बिल्कुल सॉफ्ट है, जब हम ये रखेंगे और ये ड्राई होंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर आपका जब आप ये मिक्स करें और अगर आपका यहाँ पर बेसन बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो आप क्या करेंगे, अलग से थोड़ा सा बेसन लेंगे और उसको बगैर घी डाले हुए आप उसको हल्का सा भूनेंगे थोड़ी देर तक। जब वो अच्छे से भून जाए तो उसको ठंडा करें और ठंडा करने के बाद आप इसमें मिक्स कर दें तो लड्डू एकदम सही हो जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है अगर आपका मिक्सचर, तो आप थोड़ा सा घी लेके इसमें एक चम्मच डाला या 2 चम्मच डाल के उसको मिक्स करें, तो यह है कि आपका ड्राई मिक्सचर एकदम ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो आप अपने लड्डू बनाते वक्त इनको कर सकते हैं। अब हम और सारे लड्डू आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए मज़ेदार किस्म के बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। हमने इसको ऊपर से खरबूजे के बीज से गार्निश कर दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।